भाजपा ने फिर तंग किया, चलो फिर कांग्रेस में जाते हैं। वो वाली बात है भाई साहब, कहां जाएं? एक बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कहा क्या किया है? कहता जी मैंने कत्ल किया है। कहता कत्ल किसने किया है? कहता जी मैंने किया है। लाश कहां है? कहता जी मैंने आग से जला दी। कहता जहां जली हुई जगह वो कहां है? कहता जी ऊपर से ट्रैक्टर से जोत दिया खेत। कहता जहां खेत जोता था वो दिखा। कहता जी उसके ऊपर ईंटें लगा दी थी। कहता चल ईंटें दिखा। कहता जी ऊपर एक छत बना के घर बना दिया था। कहता चल छत दिखा। कहता जी भूकंप आया था छत गिर गई। कहता चल मलबा दिखा। वो कहता जी पड़ोसी को बेच दिया था। कहता चल पड़ोसी को बुला। कहता जी उसका कत्ल हो गया। कहता किसने किया? कहता जी मैंने किया है। कहता लाश कहां है? कहता जी आग लगा के। वो पुलिस वाले ने कहा यार फिर वहीं पे आ गया यार तू, फिर वही कहानी तेरी। यही हमारे साथ होता रहा। भाजपा जिता दी, कांग्रेस जिता दी, नेलो जिता दी, हमारे मसले वही खड़े हैं जी। हम वही पे वही हाथ जोड़ के खड़े हैं जी उनके सामने। नेताओं को आखिरी महीना एक महीना पौने पांच साल में एक महीना हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बाद में पौने पांच साल जनता हाथ जोड़ती है। मैं पंजाब में गांव में गया तो एक बुजुर्ग ने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ लगाया, फिर दोबारा लगाया। मैंने कहा क्या हो गया बुजुर्ग को बताओ, कोई गलती हो गई? कहता नहीं बेटा गलती तो नहीं हुई। कहता इन हाथों से मुख्यमंत्री बहुत बनाए हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए मुख्यमंत्री को खुद हाथ लगा के आज पहली बार देखा है। ये हालत है भाई साहब, ये हालत है। कोई नेड़े आने देता आपको? कोई नजदीक आने देता इनके? नहीं आने देते भाई साहब। स्वाओ आप इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल की सोच को प्रणाम करते हुए, हरियाणा के एक लाल शिवानी गांव है हिसार के पास, वहां से एक लड़का उठा, पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। इस बात का हरियाणा वालों को गर्व होना चाहिए। हम जैसे भी मुख्यमंत्री बन गए, आम घरों के बेटे बेटी एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। आप में से भी बहुत बैठे हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। बोल देना भगवान। जब महिला घर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही है। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने आरओ लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। मेरी एक बात आज याद रख लेना, बाकी पूरा मेरा भाषण भले ही मत याद रखना, एक बात याद रख लेना, जब वोट डालने जाओगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन में जो जहां से कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होगा। गौर से देख लेना, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना वोट डालने में। पांच साल में एक मौका ही आता है, बस जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सोचना कि भगवंत मान ने उस दिन कहा था यार, वो बटन ना तो किसी ऐनक का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, वरना पहले बटन दबाते ही आए हैं 50-75 साल से, पता ही है कैसे कैसे बटन दबाए हैं भाई साहब। तो फिर और पांच साल हो जाएंगे और कैश में, और पांच साल लुट लेंगे और कैश में। सो नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला।
आओ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का फायदा है। हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, माओ बहनों को तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कि कहां पड़ा है झाड़ू, कहां रखा है। आप लोग खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां रखा है। काम झाड़ू शाम को भी वही करता है, सफाई शाम को दिमाग की सफाई करता है। ये तो लेके कितने लहरा रहे हैं। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपने पंजाब में और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहां उगता है, बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगई नहीं, कमल उगई नहीं। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, फोन करके पूछ लेना, 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई। अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल देके आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। एक रुपया भी किसी का, एक रुपया छोड़ो किसी से चाय का कप भी पी लिया हो मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया, बताओ ऐसा हो सकता कोई। अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया, दिल्ली वालों अगर मेरे 4.5 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई, ये कह सकता कोई, ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। आप पकड़ के जेल में डाल रखा है भाई साहब, कोई बात नहीं, कुदरत है, भगवान है। केजरीवाल जिस दिन पैदा हुआ